आंटी देव उठो। ये देव को क्या हुआ? ये घर नहीं लौटा था, मैं इसे ढूंढने निकल पड़ी। तुम कहाँ रह गई थी? मैं पानी लेने गई थी, वापस आई तो मुझे देव नहीं मिला। पिछले एक घंटे से इसे ढूंढ रही हूँ। प्लीज मेरी मदद करो, मुझे इसे घर ले जाना है। जी मतलब मेरा शक सही था, ये देव इच्छाधारी नाग ही है, तभी इसके गले पे वो निशान है डसने का। आकाश भाई वाह, देव घर पहुंच गया है और वो बिल्कुल ठीक ठाक है। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, तेरा लाख लाख धन्यवाद। चलो बाप, चलो। और वृंदा वो कहाँ है? आप उसकी फिक्र मत करिए बा, वो भी बिल्कुल ठीक होगी। आप अभी घर जाइए, वो सीधा आपको घर पे ही मिलेगी। ठीक ठीक बा, चलो। कहाँ पहुंच जाएगी? आपको तो ये भी नहीं पता कि वृंदा कहाँ है? वो घर वाले सिर्फ देव देव करते रहते हैं और आप पारिक पारिक। मेरी बेटी की तो किसी को चिंता ही नहीं। स्वरा जी, बा हमारी वृंदा को बहुत प्यार करते हैं, बहुत चिंता रहती है उन्हें उसकी। आपने देखा ना अभी? हाँ देखा मैंने, तो बा है इसीलिए मैं चुप रहती हूँ। वरना उस घर के लोग जिस तरीके से सुलूक करते हैं ना मेरी वृंदा के साथ, मन तो करता है कि खून कर दो। रुको, रजत का फोन आ रहा है। हाँ बेटा। बाबा वृंदा घर आ गई है। अच्छा क्या कह रहे हैं? वृंदा घर पहुंच गई है। मुझे लगता है चोट से ज्यादा इसे किसी चीज का सदमा लगा है। भाई, भाई, are you okay? देख ले, तूने क्या हाल किया है इसका। रोहन, मैंने तुमसे कहा था, अपने भाई का ध्यान रखो, साये की तरह उसके साथ रहो, कतर से बाहर मत निकलो। क्यों ले आया इसे? मॉम, मैं इसको यहाँ नहीं लेके आया, इनफैक्ट ये मुझको यहाँ लेकर आया है। ये आप लोगों को बहुत मिस कर रहा था और बोल रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए ये बा का बर्थडे मिस नहीं करेगा। क्या हुआ? किसने मारा है तू बता तो सही, मैं उसकी ना। अरे किसी ने नहीं मारा माँ, वो फार्म हाउस का डोर लॉक जैम हो गया था तो फिर धक्का मारा तो भी नहीं खुल रहा था और खिड़की से कूदी तो मैं गिर गई वहां पे। तू कभी नहीं सुधरेगी, मुझे पता है। तू ना सबके पछड़ों में पड़ती रहती है, सबके पछड़ों में पड़ना होता है तुझे और सबकी बलाएं अपने ऊपर ले लेती। रुक, सब लोग वहां सो रहे होंगे ना और तू जग कर उनकी चौकीदारी कर रही होगी। कितनी बार तुझे कहा है कम से कम अपना भी थोड़ा ध्यान रख लिया कर, शादी होने वाली है, तेरी मंगेतर है तेरा। इधर खड़ी, चल आ तुझे दिखाऊं मैं, चल देख ना तेरी आंखों के नीचे कैसे काले काले घेरे पड़ गए, देख दिख रहा? हाँ माँ। अरे इतना बड़ा तो मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं है जितने बड़े डार्क सर्कल से। आलू लगा लू क्या? ओ स्लाइसेस। मजाक कर रही है मुझसे? समझदारी की कोई बात कभी करेगी नहीं लड़की। तुझे पता है कब से इंतजार कर रहा है रजत तेरा, कम से कम थोड़ा तो जल्दी आ जाती थी ना। कैसे आ जाती, मैं बा के ले गई थी वहां पे, उनका बर्थडे आज, मंदिर से सीधा आना था पर बड़ी माँ ने मुझे। ये कारा जी, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। आप हो सकता। आओ चाय, चाय बना के लाए। आंटी कॉफी आपके लिए बनाऊं? नहीं नहीं मुझे तो बहुत काम है, आप दोनों पियो मैं जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, कहाँ जा रही हो, दो चार बातें और सुना जाओ, अभी तो रह गया होगा ना। इसके जाने के बाद तुझे अच्छे से सुनाऊंगी ना बातें। हाँ चलो तुम दोनों बैठो, हाँ मैं आती हूँ। थैंक गॉड तुमने मुझे बचा लिया। आई नो, सो गर्मा गर्म कॉफी, यू मस्ट बी टायर्ड। तो तुम देव से मिली? हाँ मिली ना, पर बड़े बुरे हाल थे भाई। आंटी अब कैसा है देव? अभी तक होश नहीं आया है, डॉक्टर ने कहा है जल्दी आ जाएगा। नैन थैंक यू सो मच बेटा, तुमने देव का साथ नहीं छोड़ा, उसके पीछे लगी रही। पीछे तो मैं इसके लगी रही, तभी तो इसे इतनी लगी है। क्या? आई मीन आई फील टेरिबल आंटी, मुझे लगता है सब मेरी वजह से हो, ना मैं इसे अकेला छोड़ती ना ये सब होता। I'm really sorry, aunty.
चुका है। I'm fine. Hi. Mom, I'm fine. आप इतने स्ट्रेस क्यों? I'm okay. Come on, guys, मैं इतने दिनों बाद आया हूँ. सब लोग इतना सीरियस क्यों हैं? मानस का? वो कनिका के साथ है. उसकी छोड़ो, तुम अपनी कहो. बेहोश कैसे हुए तुम? Nothing happened, माँ, कुछ भी नहीं हुआ है. देखो ना, I'm fine. कुछ हुआ है मुझे? दिख रहा है मुझे. सच सच बता, क्या देखा तूने? कुछ भी नहीं, क्या देखूंगा? कोई कोई बड़ा सा सांप. नहीं माँ, कोई सांप आप नहीं देखा मैंने, कुछ भी. अच्छा लिसन, आई विल टेल यू क्या हुआ. कास का तो आप लोगों को पता है ना, कास स्किड कर गई थी, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, मैं कार से बाहर गिर गया. और ये जो खरोंचे आप लोग देख रहे हैं ना, ये वो मैं पेड़ से लटक गया था, ऊपर आने में थोड़ी बहुत खरोंचे लग गई, कुछ नहीं हुआ. आई एम फाइन, सी, लुक एट मी. बस इतनी सी बात है. और गाइस, तुम लोग सर्व क्या कर रहे थे यार? वी आर गुजरातीज ब्रो, वी डोंट सर्व. वेरी फनी. हे, यू ओके? What? Okay, fine, I give up. मैं बताता हूँ आपको. मैं जंगल में था ना, तो वहां ना एक बड़ा सा जंगली एनिमल मेरे पीछे पड़ गया होगा, you know, चीता वीता टाइप. इंडिया में पहली बार आया हो ना, इसने मेरा वेलकम कर रहा होगा. Bob, come on. कुछ नहीं हुआ मुझे, आई एम फिट एंड फाइन, सी, लुक एट मी. पक्का ना? पक्का. आई एम 110% श्योर. तुमने पूरी रात कुछ नहीं खाया होगा. खाओ. बताया तो था रजत, इतना कुछ चल रहा था, मौका ही नहीं मिला. फिर तुमने मेरे काम के बारे में तो बात ही नहीं की होगी. सॉरी, सच में सॉरी. मैंने तुम्हें बताया था ना, वहाँ इतना कुछ चल रहा था, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया और उस चीज में मैं भूल गई. पर तुम्हें बताऊँ क्या, मैंने उसको तुम्हारे बारे में बताया. Really? मैंने उसको बोला हम दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स. Oh, nice. Well, आज तुम्हारे देव को घर पे बहुत डांट पड़ रही होगी. क्यों? क्यों मतलब? तुम्हें नहीं पता, वो रास्ता भूल गया था. वो क्या नाम है तुम्हारी बड़ी माँ का? रुशाली. उन्हें वो जंगल में किसी बेहोश हालत में मिला. वृंदा, वृंदा, मेरे बारे में. देव, डॉक्टर ने तुझे आराम करने को कहा है. अरे डॉक्टर को छोड़ो मॉम, ये बताओ मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ है? ए गर्लफ्रेंड, कैसे हो आप? अच्छी हूँ, पर तूने फिर से अपनी मन की मना किया था ना इंडिया आने को, फिर क्यों आया यहाँ पे? हाँ पता है मुझे, लेकिन एक बात बताओ, ऐसा कौन सा अच्छा बॉयफ्रेंड है जो अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे मिस कर दे? और मैं तो इस दुनिया का सबसे अच्छा बॉयफ्रेंड हूँ ना. तू मेरे जन्मदिन के लिए आया है? ऑफ कोर्स, और किस लिए? और वैसे भी 12 साल से मुझे कतर में बिठा के रखा है आपने, आपके इतने सारे बर्थडे मिस किए मैंने. ये तो आपका 75th बर्थडे, ये कैसे मिस कर देता मैं. हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तेरे लिए प्रार्थना कर रही हूँ शिव जी से. तुझे पता है, जब तू रुशाली को होने वाला था ना, तब मुझे भोलेनाथ के बड़े सपने आते थे. और कहते हैं कि जब ऐसा होता है ना, तो वो बच्चा उसी भगवान का होता है. Really? मतलब ये देव महादेव की कृपा से? वाह, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन. चुप कर, मस्ती मत कर. अच्छा मजाक नहीं कर सकता, लेकिन प्यार तो कर सकता हूँ ना. And you guys, मेरी गर्लफ्रेंड के बर्थडे की पार्टी का क्या सीन है? अब बर्थडे पार्टी प्लान करनी है क्या? ऑफ कोर्स, बैचलर्स पार्टी प्लान हो सकती है, तो मेरी गर्लफ्रेंड की बर्थडे पार्टी क्यों नहीं? कम ऑन, प्लान इट क्विकली. ओके 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 ओके. देव, सब
सब लोग मेरे कमरे में चलो, क्योंकि इस घर की सारी प्लानिंग मेरे ही कमरे में होती है। बर्थडे की, शादी की, चले ना दीदी। शुक्र है भगवान का कि तू सही सलामत है। मुझे पता भी है, मैं तुझे देख के कितनी खुश हूँ। मैंने तुझे कितना मिस किया। कोस पता है, क्योंकि आप जो नहीं बोलती हो ना, आपकी ये प्यारी प्यारी आंखें बोल देती हैं। तुम मेरी बेटी हो, मुझे गर्व है तुम पर नयनतारा। मैं जानती हूँ तुम जो भी करोगी बिल्कुल ठीक करोगी, और किसी भी बात की कोई फिक्र मत करो। हमने जैसा सोचा सब कुछ वैसा ही होगा, कोई भूल नहीं होगी हमसे। क्या सोच रही हो? यही कि मेरी माँ झूठ भी ठीक से नहीं बोल पाती। हम दोनों को अच्छे से मालूम है कि हमसे कोई चूक जरूर हुई है, वरना वो काला नाग कहाँ से आया, कौन था? हो ना हो उनके हाथ जरूर नाग बनी रही है। कितनी बार कहूँ मैं तुमसे नयनतारा कि वो तिलस्मी पत्थर अगर उनके पास होता तो कारोबार में वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे होते, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। देव का कतरे का कारोबार छोड़कर कहीं पर भी उन्हें फायदा नहीं हो रहा है। संपत्ति के नाम पे बस केशव की हवेली है उनके पास, बाकी सब कुछ तो वो गवा चुके हैं अपने आयाशीपन की वजह से। इसीलिए तो वो ख्याति अपनी बेटी की शादी अमीर लड़की से कर रही है। उस मानस की शादी? हाँ, वो शादी नहीं एक सौदा है। नैन, इससे ये तय हो जाता है कि वो नागमणि उनके पास नहीं है, पर हाँ उस देव के हाथ तो जरूर कुछ लगा है। इसीलिए तो वो एक आम इंसान होते हुए भी एक इच्छाधारी नाग में बदल सकता है। सच कहूँ माँ, जब आज वो देव और वृशाली आपस में बात कर रहे थे तो दिल तो क्यों उन दोनों को वहीं उसी पल खत्म कर दो। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी नयनतारा। जिस इंतकाम के लिए मैंने सालों इंतजार किया है, उसे यूए की झटके में एक ही पल में खत्म नहीं करोगी तुम। ये तुम्हारे बाबा के साथ नाइंसाफी होगी। अगर सबको इतनी आसानी से मौत मिल जाती है तो मेरे केशव को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। याद रहे नयनतारा, अब तुम्हारा बस एक ही काम है, उन सब लोगों को एक दर्दनाक मौत देना। ऐसा ही होगा माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ ऐसा ही होगा। कल उनके घर में जन्मदिन का जश्न है, मुझे भी बुलाया। ये तो अच्छी बात है। मैं बताऊंगी तुम्हें कि क्या करना है। तो सुनो, आकाश बीपी की दवाई लेके सो रहे। Thank God. देव है उनके साथ। आज जो भी हुआ वो नॉर्मल नहीं था। भले देव कह रहा हो कि उस पे किसी जंगली जानवर ने हमला किया था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। हम जानते हैं आपको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ वो नागिन कर रही है। क्या तो उसकी भटकती हुई आत्मा करी होगी दीदी। बकवास बंद करो कीत की। मैंने पहले भी कहा था हमें उसी दिन उस नागिन को मार देना चाहिए था। मर जाती तो ऐसे मेरे बेटे के पीछे नहीं पड़ती। पर दीदी मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, देव झूठ क्यों बोलेगा? वो सांप को चीटा क्यों बोलेगा? वही तो भाभी, कोई नागिन अपना शिकार ऐसे क्यों छोड़ सकती है? कोई बचेगा क्या? कोई नहीं बचेगा। वही तो मैं कब से कह रही हूँ, उस नागिन ने हम सबके चेहरे देख लिए। भले ही उस वक्त उसकी शक्तियां खत्म हो गई थी, भले वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिरी थी, पर थी तो वो एक नागिन, एक इच्छाधारी नागिन। और नागिन अपना बदला कभी नहीं भूलती, खासकर वो नागिन जिसपे 25 साल का श्राप हो और जिसे अश्लेषा नक्षत्र पे आज ही के दिन वापस आना हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आकाश भाई, अरे तुम लोग,
क्या बातें हो रही हैं भाई? अरे अच्छा हुआ आकाश भाई आप आ गए, हम लोग है ना बर्थडे की डिस्कशन कर रहे थे। हाँ क्योंकि आज जो भी है उसे हम सब बहुत स्ट्रेस्ड हैं, पर बा का बर्थडे होगा ताकि हम सब अच्छे मूड में आ जाए। वो तो है, वैसे भी देव इतने सालों बाद घर लौट आए, डबल सेलिब्रेशन होना चाहिए, क्यों वृषाली? हाँ बिल्कुल। केक ना शुगर फ्री होना चाहिए भैया, और दो लोग ना कीटो डाइट पे हैं तो उनके लिए कीटो कपकेक्स भेज देना, ठीक है? आप अपना ऑर्डर फिर से रिपीट करेंगे प्लीज? अरे भैया अभी बताया तो सही, एक ट्रफल चॉकलेट आएगा और एक एक वनीला आएगा, और हाँ कैंडल्स और चाकू साथ में भेज देना, नहीं तो पैसे काट लूंगी, अभी बता रही हूँ। ओके मैम, थैंक यू मैम, ओके बाय। ये हो गया। ये जो तू इतना काम कर रही है, उन्होंने तुझे पार्टी पे बुलाया भी है? समझ गई, नहीं बुलाया। पूरी बात सुननी नहीं है, बोलना पहले होता है। उन्होंने बुलाया, मैं नहीं जा रही हूँ। क्यों? अरे माँ उन्होंने ना वो कोई थीम पार्टी टाइप रखी है, तो उसमें क्या होता है ना कुछ स्पेशल पहन के जाना होता है। मैं समझ गई, जानबूझकर ना उन्होंने ऐसी वाली पार्टी रखी ताकि तू ना जा सके। अरे मैं क्या जानती नहीं हूँ उन्हें, सालों से बस यही करते आ रहे हैं, और तेरे से हाय आंटी नमस्ते। अरे जीते रहो खुश रहो। देव देव आया है वृंदा। हाय। तुम लोग बैठो मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं नहीं चाय की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस वृंदा से मिलने आया था। वृंदा से तो मिल लेना, लेकिन उसके साथ साथ वो रजत हमारा होने वाला दामाद वो भी तुमसे मिलना चाहता है। मैं रजत को बुला कर लेकर आती हूँ, ठीक है? तो मेरी शिकायत करने आयो? शिकायत किस बात की? कल वाली बात के लिए। ओ, पहले बताना चाहिए था ना। खैर छोड़ो, फिलहाल तो मैं तुम्हें ये देने आया हूँ। ठीक है, बा ने भेजा तुम्हारे लिए, पार्टी में यही पहनना है। वाओ, बा मेरे लिए ले लाई? ऑफ कोर्स वही लाएंगे, मैं लड़कियों पे इतना खर्चा नहीं करता, वो भी तुम जैसी बहन जी पे। कंजूस। वैसे एक बात बताओ, तुम घर कैसे आई? अरे कैब से आई, लेकिन सब लोग मुझसे यही क्यों पूछे जा रहे? मैं तो ऐसे ही पूछ लिया, लेकिन कैब से ऐसे रात को आना, इट्स नॉट सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेफ्टी। वैसे भी अकेली क्यों घूमती हो तुम? तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड भी है ना, उसके साथ जाकर। बॉयफ्रेंड को ना काम होता है, वो उसकी बात तो करना। नहीं देव 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 निकल गया, उससे तो मैंने बात भी नहीं। देव कहाँ है? आज शाम को पार्टी है, देव ने हम दोनों को इनवाइट किया है। रियली? इसका मतलब तुमने मेरे बारे में बात कर ली, आई मीन मेरे काम के बारे में बात कर ली? यू नो व्हाट, यू आर अमेजिंग। थैंक यू, यू आर अमेजिंग। थैंक यू। मानस खोलना, क्या कर रहा है यार, जल्दी आ। okay, खोलना यार। गाइस जेब पा लड़का तैयार हो गया हमारा। क्या कर रहा है यार मतलब तो चेक करने पड़ेगा किसका। चलो थैंक गॉड प्रियाली का फोन ऑफ हो गया, मगर ये तब से नॉनस्टॉप फोन कर रही है, कहीं तमाशा करने यहाँ ना आ जाए। लो, आप और कितना जिएगी? बा, ये आपके लिए। थैंक यू बेटा। अरे 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 अरे। ओके 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 ओके। मुंह बाय लागू बा। थैंक यू। Hey girlfriend. Happy birthday to you. I love you so much. Thank you. Happy birthday, ba.
हैप्पी बर्थडे बा. थैंक यू. जय श्री कृष्ण. लाओ ये मैं वहां रख देता हूँ. वैसे अंकल और माधव अंकल नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ हैं? मम्मी को फोन लगा रहा हूँ, लगे नहीं रहा है फोन. आप गिफ्ट लाने गए हैं, भूल गए थे. अम्मा का बर्थडे भूल गए थे, इतना काफी नहीं था. Oh, come on, Dad. It's okay. वैसे उनको पता होना चाहिए कि इस बात का स्ट्रेस नहीं लेना है उन्हें, क्योंकि हमारी बा को कीमती गिफ्ट नहीं, हमारा प्यार इंपॉर्टेंट है ना बा? Hey, how are you? Happy birthday, my dear ba. Thank you. Happy birthday, ba. ba. मेरे और रजत की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा. ऐसे ही 100 साल जियो और रोज मेरा खून पियो. बहुत क्यूट लग रहे हो. आई लव यू. देव भाई. यस बॉयज. क्या देव भाई, तुम भी ना कमाल करते हो. मेरा मतलब है न्यूयॉर्क में पढ़े, उसके बाद लंदन में 3 साल का कोर्स किया, फिर यहाँ के क्या कर रहे हो? हमें गुब्बारे फुलवा रहे. एग्जैक्टली. लिसन, जो मैं कह रहा हूँ ना चुपचाप करो, वरना बताऊँ कि बैचलर्स पार्टी में क्या कर रहे हो? दिस इज नॉट डन यार. आई डोंट केयर. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं यार, 15 मिनट हम डांडिया खेलेंगे, फाफड़ा खाएंगे, उसके बाद अपनी पार्टी वापस. हे वृंदा, टेक माय कार्ड, स्टे इन टच. वृंदा, अब कार्ड इकट्ठी करते रहोगे या फिर देव से बात भी करोगे? हाँ, देव से बात मैं कर लेती हूँ. हाँ, अभी आई. हाँ या सॉरी. तुम इधर आओ, इधर. देखो देव तो मुझे मिला नहीं, पर मैं एक बात बोलूँ, मुझे थोड़ा सा ना ऑड लग रहा है. क्यों यार, हम ये पार्टी अटेंड करने आए और आते ही अपने काम की बात करें, हमें थोड़ा अजीब है, यू नो, सेल्फिश लगेगा. और कोई बंदा सेल्फिश कैसे लग सकता है? देव है और वो भी तुम्हारे बचपन का फ्रेंड है. इतनी बड़ी आईटी कंपनी का मालिक है, अगर मुझे कुछ छोटा मोटा काम दिलवा दे तो हम दोनों के लिए अच्छा होगा ना. आई मीन इट्स फॉर आवर फ्यूचर. सो प्लीज गो और उससे बात करो. अरे पर वो मिल नहीं रहा है, मैं क्या करूं? देयर ही इज. मैं जाती हूँ, मैं बात करके आती हूँ. गुड. यू आर लुकिंग प्रिटी. वहां से मिली? किस दिन? हैप्पी बर्थडे बा. बस ऐसे ही, कोई गिफ्ट नहीं लाई? वो तो मैं ऐसा लाई हूँ, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे. होश उड़ा देती है यार, क्या लगती है? तेरे कान के नीचे दो लगाएगी ना, तब पता चलेगा कैसी लगती है. तो तू भी यार. अब चल. डीजे म्यूजिक. आइए, आपके जमाने का गाना एक डांस तो बनता है. ओके. केक रेडी कर ले. ओ यार, चलो चलो. किससे फोन कर रही थी? नाइस कलर ना, मैचिंग मैचिंग. वैसे ये कलर और ड्रेस दोनों सूट कर रहे हैं तुम पे.
ऑफ कोर्स करेंगे, इतने स्पेशल इंसान ने जो गिफ्ट किए। रियली? कितना स्पेशल है वो इंसान? जितना लाखों तारों के बीच में चांद होता है ना। उतना स्पेशल तुम्हारे बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा स्पेशल। हाँ थैंक यू सो मच यार, मुझे नहीं पता था कि मैं चांद से भी ज्यादा डिमांड में। हेलो हेलो, तुम कौन सी दुनिया में जीते रहते? तुम्हारे बारे में तो मैं बात कर भी नहीं रही थी। हेलो, ये ड्रेस ना मैं लेकर आया हूँ, माँ ने मुझे कहा था तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदना है, सो थैंक यू तारीफ के लिए। नो थैंक यू, वैसे भी मैं बा के बारे में बात कर रही थी, तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही थी, समझे ना। मुझे ना तुमसे कुछ कहना था। कहो ना। एक्चुअली सॉरी बोलना था रात के लिए, वो ऐसे दरवाजे पे तुम्हें मैंने धक्का मुक्की की और बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत। अब मैं क्या करूं, मैं ना ऐसी ही हूं, मुझे ना कोई काम दे देता है ना और मैं उसमें जुट जाऊं, फिर मेरे सामने कोई भी आ जाए मैं उसे उठा के फेंक देती हूं। नमूना देखा है मैंने। सॉरी। हे, ये देखो, ये बिल्कुल इमली जैसा नहीं लग रहा, जो खट्टी खट्टी लाल वाली इमली होती है बिल्कुल वही लग रहा है। या, तुम अभी भी इमली खाती हो? है तुम्हारे पास? हाँ है ना। तो दो ना प्लीज। बोलो प्लीज। तुम्हें पता है मैं जहां भी रहती हूँ ना हमेशा इमली का डब्बा ना छुपा के रखती हूँ, ये देखो। यू नो व्हाट, बाजार में बहुत मिस कर रहा था इसे। लंदन न्यूयॉर्क कहीं भी चले जाओ सारे फ्रूट्स मिल जाते हैं लेकिन इमली नहीं मिलती। पता है रजत को भी बहुत पसंद है। रजत तुम्हारा बॉयफ्रेंड करता क्या वो? वो ना एक्चुअली रजत को ना अपनी जॉब के लिए तुमसे दो मिनट के लिए बात करनी थी, तो तुम कर पाओगे? ओ ऐसी, तुम इस घर में रहती हो, बाकी फेवरेट हो, तो तुम्हारे फियांसे के लिए तुम्हें फेवर चाहिए जॉब का। अच्छा सॉरी, खिंचाई कर रहा हूं मैं तुम्हारी। बचपन से लेके अब तक इतनी इमलियां चुराई हैं, तो इतना हक तो बनता है तुम्हारा, मैं करूंगा तुम्हारे लिए। थैंक यू। एक सेकंड। रुको रुको, पहले केक काट लेते ना, फिर आराम से बैठ के बात करेंगे। ओके डा, थैंक यू। चलो लेट्स गो। नाना भाई और उस केशव के मरने के बाद सब कुछ आकाश भाई का तो है, और नाना भाई ने ऐसी विल लिख के अपनी दरिया दिली दिखा दी है। और उसकी बहू ने दरिया में कूद के। चोट तो नहीं लगी ना नागरानी? आ गया, सब लोग तैयार हो जाओ। लुक, केक इज हियर। आइए बाप, केक काटते। भाई आप पूरे 75 कैंडल्स लगाओ। 76 कैंडल लगाऊंगा। क्यों? एक एक्स्ट्रा मेरी गर्लफ्रेंड की लंबी उम्र की विश के लिए। संभल के, ये हाथ ना जल जाए। मेरा या तुम्हारा?
चाकू, ओ हाँ वो मैं किचन में भूल आई, मैं लाती हूँ। हाँ बाहर आओ बेटा, मैं अंदर आ रही हूँ। नो नो बेबी, मैं आ रहा हूँ। ये प्रियाली अंदर आ गई तो तमाशा हो जाएगा। शिट, कहाँ है ये? I love you. I love you. तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुम ऐसे किसी से शादी नहीं कर सकते। सुनो ना, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मानस, I love you. बेबी, बेबी मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा, ट्रस्ट मी। मुझे बस थोड़ा टाइम दो बेबी, ट्रस्ट मी, मैं सब ठीक कर दूंगा। आई लव यू, ट्रस्ट मी। फाइन, तुम्हें एक दिन का मौका दे रही हूँ और उसके बाद। हाँ हाँ बेबी, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस अभी जाओ प्लीज, अभी जाओ प्लीज, प्लीज बेबी, हाँ प्लीज। ऑलराइट, अरे वृंदा अभी तक चाकू नहीं लेकर आई, समबडी, मैं ही देखता हूं। देखते हैं देव, अब देखते हैं तुम कैसे बचते हो और कैसे बचाते हो अपने परिवार को। अब तो तुम्हें अपने असली रूप में आना ही पड़ेगा, उस इच्छाधारी कॉलिन नॉक के रूप में। कोई मान धर्म है कि नहीं? शर्म वरम आती है कि नहीं? शादी होने वाली मंगेतर अंदर बैठी और किसी और को आई लव यू बोल रहे हो? इतना गिरोगे जी? शट अप, जुबान संभाल कर, वरना इससे भी ज्यादा गिरी हुई हरकत करूंगा, वो भी तेरे साथ। इसलिए अपना ये लेक्चर देना बंद कर। घर की नौकर है ना तो औकात में, भाग की लाडली हो ना तुम, तो जाओ पा का हैप्पी बर्थडे बनाओ। कहाँ है चाकू? जाओ जाकर वही छुरी कांटा चलाओ, और अगर मेरे रास्ते का कांटा बनने की कोशिश की ना तो। अब तो इसे अपने असली रूप में आना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं बचा इसके पास अपनी बाप को बचाने का। Are you mad?
अच्छा तो बगैर इच्छाधारी रूप लिए तुमने अपनी बाप को बचा लिया, कोई बात नहीं। अब देखती हूँ ये अपने इच्छाधारी रूप में कैसे नहीं आता। मेरी बात सुनो, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। जल्दी करो, मेरा हाथ पकड़ो। कि देव अपने रूप में क्यों नहीं बदल रहा, नौक रूप में क्यों नहीं आ रहा। संभल के नैनतारा, जल जाओगी, आग है, बाहर आओ, फोन पैनिक। नैनतारा